Consider the graph in which horizontal axis represents years and vertical axis population in crores. That means point A, which is 1985, 92. It represents in 1985 population was 92 crores. Point B, in 1995 population was 97 crores. He asked what will be the population in 2010. वो हम यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल के भी पता लगा सकते थे, लेकिन हमें लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है. तो सपोज 2010 में पॉइंट सी होगा, सपोज 2010 और वाई वी डोंट नो. हमें पता लगाना है 2010 में क्या पॉपुलेशन रहेगी. अब हमें ये पता है कि ए बी सी ये लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पॉपुलेशन एंड ईयर्स को. तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? होगा. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. यहाँ से स्लोप निकल आएगा और यहाँ से वाई के टर्म्स में आएगा. वाई क्या है? पॉपुलेशन. वाई है पॉपुलेशन इन करोड़ इन द ईयर 2010. क्लियर? नाउ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू सर क्वेश्चन नंबर स्लोप ऑफ क्वेश्चन नंबर क्या है 14. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. बी सी स्लोप ऑफ ए बी 97 माइनस वाई टू माइनस वाई वन 1995 माइनस 1985. स्लोप ऑफ बी सी y माइनस 97 2010 माइनस 1995. ओके ओके. 5 10 y माइनस 97 15. ओके 5 × 5 × 10. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 194 इज इक्वल टू 15. 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 194. कितना y? 209. y इज इक्वल टू 209/2 104.5. दैट मीन्स इन द ईयर 2010 पॉपुलेशन वॉज 104.5 करोड़.